नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरा नाम ग्रुप कैप्टन अशोक कुमार है। मैं इंडियन एयरफोर्स में कार्यरत हूं और साइबर सिक्योरिटी मॉड्यूल इस पीजी डिप्लोमा कोर्स में मैं आपके साथ जुड़ा हूं। इस मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे कि साइबर अटैक्स ये होते क्या हैं, थ्रेट्स और वल्नरेबिलिटीज़ क्या होती हैं, और जो अटैकर्स और हैकर्स हैं उनका अंदेशा क्या होता है, वो ये सब करते क्यों हैं। साइबर अटैक की परिभाषा अगर देखें तो ये एक ऐसी कार्रवाई है जो कि एक अटैकर अपने कंप्यूटर से या स्मार्टफोन से या किसी भी डिजिटल डिवाइस से या तो किसी वेबसाइट को अटैक करता है या किसी कंप्यूटर सिस्टम को। वो कंप्यूटर सिस्टम हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो, कॉरपोरेट का हो, या किसी का इंडिविजुअल कंप्यूटर हो। इसको अटैक करने के लिए और उसके पीछे उसका अंदेशा क्या है, बेसिकली वो चाहता क्या है, और जब आपके ऊपर अटैक होता है, आपके आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक होता है, तो आप क्या क्या लूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले चीज जो इसमें लूज करते हैं आप, वो है कॉन्फिडेंशियलिटी। आपके पास बहुत सारी जानकारी ऐसी होती है जिसको आप कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं, तो अटैकर की मंशा रहती है कि वो आपकी कॉन्फिडेंशियल जानकारी को आपसे चुरा ले। हो सकता है कि चुराने के साथ साथ आपकी जो जानकारी थी उसको टेम्पर करे और उसको चेंज कर दे, तो उस केस में हम बोलते हैं कि इंटेग्रिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन कंप्रोमाइज हो गई। साथ ही साथ क्या होता है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अगर वो नॉन यूजेबल कर देता है किसी भी तरीके से, सबसे आसान एग्जांपल है कि पावर शटडाउन हो गई, जनरेटर्स पे अटैक हो गया, यूपीएस खराब कर दी, तो पावर के बिना तो आपका सब इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम बर्बाद है। तो इस केस में हम बोलते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर हैज बीन कंप्रोमाइज्ड। अब हम डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप से अटैकर सिस्टम्स में अटैक कर सकता है। सबसे पहला आता है बैकडोर्स। पुराने जमाने में आपने सुना होगा कि राजे महाराजे अपने किलों में एक छुपा हुआ एक दरवाजा बनाया करते थे कि ताकि एक्सट्रीम इमरजेंसी में उससे भागा जा सके। तो इसी तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको पोर्ट खोल देते हैं ताकि जो भी अटैकर है वो आपके सिस्टम में एंटर कर सके। इसका बड़ा सिंपल सा एक एग्जांपल आप नेट पे अगर सर्च करेंगे तो सोनी सीडी, जो ब्लैंक सीडीज आती थी, उन्होंने पायरेसी चेक करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया जो कि प्री इंस्टॉल्ड सीडीज में आता था। बेसिकली उस चीज़ के लिए था कि वो चेक करें कि कोई सॉफ्टवेयर की पायरेसी तो नहीं हो रही है। वो साथ ही साथ सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल होता था आपके सिस्टम में तो वो एक बैकडोर खोल देता था जिसको कि अटैकर्स ने सिस्टम हैक करने के लिए यूज करना शुरू कर दिया। काफी इंटरेस्टिंग केस स्टडी है, टाइम मिले तो आप इसको जरूर नेट पर सर्च करके पढ़िएगा। आप कोई भी सर्विसेज, जैसे वेब सर्विस है, मेल सर्विस है, हॉटमेल, याहू, सो मेनी सर्विसेज, गैलोर सर्विसेज आर अवेलेबल। अगर आप यूजर को ये सर्विस डिनाई कर देते हैं कि यूजर उनको सर्विसेज को यूज ही ना कर पाए, तो इस तरह के अटैक को बोलते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स। इसमें करते क्या हैं कि एक कंप्यूटर से आप इतना सारा ट्रैफिक आप वेब सर्वर को या मेल सर्वर को भेजना शुरू कर देते हैं कि वो सैचुरेट हो जाता है, तो कोई जेन्युइन यूजर उसमें लॉग इन करने की कोशिश करेगा तो वो मिल नहीं पाएगा, वो सर्विस अवेलेबल ही नहीं होगी। अगली कैटेगरी है डायरेक्ट एक्सेस अटैक्स, मींस आप किसी भी तरीके से अपने मित्र से या सिस्टम से आप उसका यूजर नेम, पासवर्ड किसी भी तरह से हासिल कीजिए और सिस्टम को एक्सेस करना शुरू कर दीजिए, आप उसमें से जानकारी निकाल सकते हैं। तो इस टाइप के जो अटैक्स हैं वो बड़े डेडली अटैक होते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी जो अटैक्स की आती है वो होती है ईवसड्रॉपिंग, कान लगा के सुनना। बचपन से सुनते आए हम कि दीवारों के भी कान होते हैं,
तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर टूल्स अवेलेबल हैं जो कि आप नेटवर्क पर लगा दें। कोई भी आदमी जो नेटवर्क पर बैठा हो, आपका आईपी एड्रेस पता है, वायर शार्क आप देखिए, वायर शार्क इज़ अ टूल विच इज़ यूज मोस्टली। बहुत सारे ओपन सोर्स, क्लोज सोर्स, प्रोप्राइटरी टूल्स अवेलेबल हैं जिससे कि आप ट्रैफिक मॉनिटर कर सकते हैं और आप जान सकते हैं कि ट्रैफिक में चल क्या रहा है। सो मच सो दैट पीपल कैन क्रैक इवन यूजर नेम्स एंड पासवर्ड वाइल ट्रेवलिंग ऑन द नेटवर्क इफ इट इज नॉट इनक्रिप्टेड प्रॉपरली। स्पूफिंग, समबडी कैन स्पूफ हिज आईपी एड्रेस एंड इम्परसोनेट, मतलब मैं अशोक कुमार हूं, कोई यही क्रेडेंशियल लेकर के कहीं और से किसी भी आईपी एड्रेस से स्पूफ करके वो अशोक कुमार बन के अटैक कर सकता है। टैम्परिंग, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि टैम्परिंग में आप अगर किसी को सिस्टम में एक्सेस मिल जाती है तो वो खाली आपकी इन्फॉर्मेशन चुराएगा ही नहीं, हो सकता है कि वो इन्फॉर्मेशन को चेंज भी करने की कोशिश की है। और एक अटैक टाइप होती है आपका रेपुडिएशन अटैक्स, जिसमें कि अटैकर इस तरह से अटैक करेगा कि सामने वाले को कोई इन्फॉर्मेशन मान लिया भेज दी और एक्चुअल सोर्स से नहीं गई। इट इज समथिंग वेरी वेरी सिमिलर टू स्पूफिंग। रिसीवर विल रिसीव इन्फॉर्मेशन, ही विल बिलीव एज इफ इट हैज कम फ्रॉम ए जेन्युइन सेंडर एंड एक्चुअली जेन्युइन सेंडर विल नॉट नो हु हैज सेंट दैट इन्फॉर्मेशन। सो इट्स अ वेरी ट्रिकी काइंड ऑफ अटैक। इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर अटैक्स, आपका आधार डेटा कहीं से उठाया, आपके टेलीफोन नंबर्स, क्रेडिट कार्ड नंबर्स उठाए और ओपन डोमेन में डाल दिए, तो ये आजकल बड़े प्रचलन में है और बहुत बहुत कंपनीज को इससे एम्बैरेसमेंट हुई है। प्रिवलेज एस्केलेशन अटैक्स, मतलब आप डोमेन में हैं, किसी सिस्टम में हैं, तो एवरी यूजर हैज गॉट सम प्रिवलेजेस, रीड राइट ग्रुप एक्सेस। तो प्रिवलेज हर यूजर के डिपेंडिंग ऑन हिज रोल्स हम उनके प्रिवलेजेस डिसाइड कर देते हैं। तो अगर यूजर को और अटैकर को आपका एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड कहीं से मिल जाए और वो अपना अगर प्रिविलेज बढ़ा सके तो आप इमेजिन कर सकते हैं व्हाट डिस्ट्रक्शन ही कैन क्रिएट। ही कैन प्ले मेरी हेल्प विद द सिस्टम। ये एक अटैक है, इसे बहुत बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत होती है। हमको अपने यूजर नेम, पासवर्ड्स, स्पेशली द एडमिनिस्ट्रेटर्स हैव टू गार्ड इट अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ अटैक्स। अगले श्रेणी आती है इसकी, एक्सप्लॉइट्स की। कोई भी सॉफ्टवेयर आप देखेंगे आज तक जितनी भी बनी है, देर इज अ सेइंग इन सॉफ्टवेयर वर्ल्ड दैट देर डजेंट एग्जिस्ट एनी कोड मोर देन 1000 लाइन्स विच इज नॉट बग फ्री। मतलब 1000 लाइन से ऊपर का कोई कोड दुनिया में ऐसा नहीं है जिसमें कि कोई बग नहीं हो, नॉन वल्नरेबिलिटीज नहीं हो। तो जो अटैकर्स हैं वो इस तरह के कोड्स और ढूंढते रहते हैं डिसअसेंबल करके। बहुत सारी उसकी टेक्निक्स हैं विच विल बी डिस्कस्ड इन सम अदर मॉड्यूल। तो वो ये कमियां ढूंढ के उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं और इन्हीं एक्सप्लॉइट से वो प्रोग्राम्स बना देते हैं जिससे कि वो, हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे वो मेलवेयर बनाते हैं। एक और तरीका है अटैक करने का, सोशल इंजीनियरिंग। मतलब इस ये सबसे डेडली अटैक है, इसमें कोई टेक्निकलिटी यूज़ नहीं की जाती। जो अटैकर है उसको किसी भी तरीके की टेक्निकल नॉलेज होने की ज़रूरी नहीं है। ही शुड बी एबल टू रीड ह्यूमन माइंड एंड, जिसको पुराने ज़माने में बोला जाता ठग ठग लेना किसी को, उसको आईटी पार्लेंस में बोला जाता है सोशल इंजीनियरिंग। ठग करके आपकी इलेक्ट्रॉनिक जानकारी निकाल लेना ही सोशल इंजीनियरिंग है। बहुत सारे लोग आपको हो सकता है बात करेंगे कि उनको कहीं से फ़ोन आया कि मैं फलां फलां बैंक से बोल रहा हूँ और हम मेंटेनेंस कर रहे हैं सर्वर की, आपका डेबिट कार्ड जो है
वो इनवैलिड हो गया है, आपके पास एक ओटीपी आएगा, हम आपको नया कार्ड इशू कर देंगे, तो आपसे ओटीपी मांगता है। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, कभी भी इस तरह के चालबाजी में ना फंसें, ये सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स हैं। आप इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, नेट पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, इसको बहुत अच्छे से हमारे मॉड्यूल्स में एक्सप्लेन किया गया है, बहुत डेडली अटैक हैं। दूसरी श्रेणी आती है इसमें हमारी इनडायरेक्ट अटैक्स की, जिसमें के जो अटैकर्स है वो बहुत सारी सॉफ्टवेयर्स नेट के थ्रू आपको भेजता है, वो इनवाइट करते हैं। कैसे? फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और बहुत सारे और सोशल मीडिया पे हम अपने बहुत सारी जानकारियाँ, अपने हॉबीज़, अपने इंटरेस्ट हम शेयर करते चले जाते हैं। तो वो टारगेट अटैक का एक बहुत सा सही तरीका है सोशल मीडिया से जानकारी उठाना। तो उसी से संबंधित वो फिर आपको मेलवेयर बनाते हैं, आपको एडवेयर भेजते हैं। एडवेयर, आप अचानक से कोई एक चीज़ सर्च कीजिए, सपोज़ आपको कोई मोबाइल फ़ोन खरीदना है, आप उसकी गूगल सर्च करेंगे या किसी कमर्शियल साइट पर जाएंगे, अचानक से आप देखेंगे कि कोई भी साइट खोलें तो आपको वो ऑफर्स आने शुरू हो जाएंगे अलग अलग वेंडर्स से। तो ये होता एडवेयर के थ्रू ही है। जैसे भी आप किसी ई कॉमर्स साइट पर जाएंगे, एक एडवेयर आपके ब्राउज़र में इंजेक्ट होगी, वो आपके इंटरेस्ट आपसे कलेक्ट करती रहेगी और तरह तरह के आपको ऑफर्स आते रहेंगे। बॉट्स, वेरी डेडली काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स। अचानक से हम लोग सोचते हैं कि भाई मेरे सिस्टम में तो कोई ऐसी जानकारी है नहीं, ऐसी कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है नहीं, मेरा सिस्टम अगर हैक हो भी गया तो क्या होगा? प्लीज़ इस भ्रांति को दिमाग से निकाल दीजिए। ज़रूरी नहीं कि आपका सिस्टम से कोई जानकारी ही निकाले, आपके सिस्टम को दूसरे सिस्टम को अटैक करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये कैसे करते हैं? आपने रोबोट सुना होगा, रोबोट। रोबोट एक मैकेनिकल एक इक्विपमेंट है जो कि आपके मालिक के इशारों पर चलता है, ही कैन बी कंट्रोल्ड। सेम वे एक सॉफ्टवेयर जिसको हम बॉट बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी में, वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है थ्रू वेब सर्फिंग और एक्सप्लॉइटिंग एनी वल्नरेबिलिटीज, और वो फिर पीछे ही पीछे किसी सर्वर को रिपोर्ट करता है एंड योर सिस्टम बिकम्स अ विक्टिम। सो प्लीज, माई एडवाइज इज डू नॉट क्लिक ऑन अननेसेसरी थिंग्स एंड डाउनलोड अननेसेसरी सॉफ्टवेयर्स। विद दैट लॉट मेनी बंडल्ड सॉफ्टवेयर्स विच कैन बी मलिशियस गेट इंस्टॉल्ड टू योर सिस्टम। रैंसमवेयर अटैक्स, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, रैंसम एंड सॉफ्टवेयर। रैंसम फिरौती, मतलब वो सॉफ्टवेयर जो भी आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगी वो आपका पूरा डेटा, पूरा हार्ड ड्राइव, सब कुछ इनक्रिप्ट हो जाएगा, आप कुछ नहीं देख पाएंगे। और उसको खोलने के लिए या तो आप किसी को पैसे पे कीजिए थ्रू बिटकॉइंस, और या फिर आपको सिस्टम पूरा फॉर्मेट करना होगा। तो जैसा बोला जाता है कि एक बैकअप अपने पूरे सिस्टम का जरूर रखें। नॉट कीपिंग ए बैकअप इज नोन एज कार्डिनल सिन इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगला अटैक जो हम डिस्कस करेंगे वो है रूट किट्स। रूट इज द मोस्ट पावरफुल यूजर और एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये सॉफ्टवेयर्स जो हैं, रूट किट्स, दे गेट इन टू सिस्टम अटैच टू एनी अदर सॉफ्टवेयर विच इज अ वेरी प्रोडक्टिव काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, और सिस्टम के साथ ये इंस्टॉल हो जाती हैं और धीरे धीरे अपना प्रिविलेज एस्केलेट करके रूट तक पहुंच जाते हैं एंड देन दे स्टार्ट क्रिएटिंग हैवक इन द सिस्टम्स। इसी कैटेगरी में आपके आते हैं स्पाईवेयर, जो कि आपके सिस्टम का डेटा पीछे से उठाते रहते हैं। स्केयरवेयर, स्केयरवेयर बहुत ज़्यादा नुकसान करने वाले सॉफ्टवेयर नहीं होते, पर आपको बहुत सारे अननेसेसरी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए आपको प्रॉम्प्ट करते रहते हैं।
ट्रोजन हॉर्सेस, ये भी उस तरह के अटैक हैं जैसे कि आपने पुरानी कहानी सुनी होगी कि ट्रॉय में बड़ा एक अभेद किला था, उसके अंदर कोई सैनिक घुस नहीं पाते थे, तो एक टेक्निक चली गई, एक लकड़ी का बड़ा सा घोड़ा बनाया गया, उसके अंदर बहुत सारे सैनिक घुसा दिए गए, और किले से जब लोगों ने देखा कि एक बार लकड़ी का बड़ा सा घोड़ा रखा है तो लोग उसको खींच ले गए, रात को सैनिक बाहर निकले और उन्होंने किले को फतेह किया। सेम इसी तरह का वेरी गुड लुकिंग सॉफ्टवेयर विल बी अवेलेबल टू यू थ्रू आइदर लिंक और वेबसाइट और थ्रू ब्राउजिंग, यू विल थिंक इट्स अ वेरी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, पर उसके अंदर कुछ ना कुछ ट्रोजन हॉर्स या इस तरह का मेलवेयर भरा होगा। वायरस हर सिस्टम के ऊपर आज की तारीख में एक एसेंशियल सॉफ्टवेयर बन गया है, उसको बोलते हैं एंटीवायरस। वायरस इज ए मेलवेयर जो कि अपने आप को रेप्लिकेट करता रहता है, किसी सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज को, एक्सप्लॉइट को लेकर के लिखा होता है, और बेसिकली इट कैन डू नंबर ऑफ बैड थिंग्स टू द एक्सटेंट ऑफ फॉर्मेटिंग योर हार्डवेयर। वर्म्स भी इसी तरह के ही वायरसेस हैं, वायरस टाइप की सॉफ्टवेयर हैं जो कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, पर वो नेटवर्क पे बहुत जल्दी से जल्दी प्रोपोगेट होते हैं, और वो आपका मेल बुक, कॉन्टैक्ट बुक के साथ अटैच हो जाते हैं और अपने आप को रेप्लिकेट करते रहते हैं। आप अगर नेट बैंकिंग करते हैं तो आपको अक्सर सबसे पहले पेज में वार्निंग मैसेज आता है कि बैंक विल नेवर आस्क यू योर यूजर नेम पासवर्ड ऑन फोन, और लॉग इन टू द साइट विच हैज गॉट अ पैडलॉक ऑन द लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर ऑफ इट। तो ये आपको बताया जाता है कि आप फिशिंग अटैक क्या होते हैं कि आपको एक वेबसाइट, वेब पेज ऐसा ऑफर किया जाएगा जो कि उस बैंक के पेज का हूबहू एक एक चीज उसी से मिलती होगी, पर वो एक्चुअल में उस पेज का नहीं है। इसकी जान पहचान ऐसे होती है कि आप जब उसका एड्रेस बार में देखेंगे तो वो HTTPS ना हो करके, S stands for secure, it will be normal HTTP, तो बाएं कोने में उसके पैडलॉक नहीं दिखाई देगा, तो श्योर शॉट वो एक नकली साइट है। तो उस साइट में जैसे ही आप जाते हैं, अपना यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे, तो बैकड्रॉप में एक उसके एक प्रोग्राम चलता रहता है जो कि उसको कैप्चर कर लेगा, इस तरह से आपका जो यूजर नेम और पासवर्ड है वो कंप्रोमाइज हो सकता है। आइडेंटिटी थेफ्ट बड़ी कॉमन सी चीज़ है आजकल, आपके सिस्टम पे अगर अटैक हुआ तो आपका जो भी डेटा है, आपके फोटोग्राफ्स हैं, पर्सनल फोटोग्राफ्स हैं, योर आधार कार्ड नंबर, योर क्रेडिट कार्ड नंबर, दीज थिंग्स कैन बी स्टोलन एंड कैन बी मिसयूज अगेंस्ट यू। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स और प्रोग्राम्स ऐसे बनते हैं, प्लान्स जो कि एक कंपनी ने कई साल की मेहनत और R&D के बाद बनाए होते हैं, पर कॉम्पिटिशन्स या फिर जो मैलिफाइड इंटेंशन वाले लोग होते हैं वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी पैसा बना के हम आगे बढ़ चलें, तो वो कई बार जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है आपकी, जिसमें कई साल की मेहनत लगी है, वो एक पल में आपसे चोरी करके ले जाते हैं। तो इस तरह के अटैक्स भी संभव हैं। पासवर्ड अटैक्स मैंने कई ऑफिसेज में देखा है कि लोग बड़ा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाते हैं पर साथ ही में एक पीली पर्ची पे लिख के कंप्यूटर के बगल में चिपका दिया, क्यों कि पासवर्ड की पॉलिसीज हैं कि उसको हर 3 महीने में चेंज करना है, तो याद कितने पासवर्ड याद रखेंगे आप, एक नेट बैंकिंग का पासवर्ड है, मेल का पासवर्ड है, और जगह जगह आपके पासवर्ड हैं, तो उतने सारे पासवर्ड ह्यूमन बींग याद नहीं रख सकते, तो लोग उसको कहीं लिख के लगा देते हैं, वो एक सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी है। इसको अवॉइड करें, इट कैन रिजल्ट इन टू पासवर्ड अटैक्स। नेक्स्ट काइंड ऑफ अटैक्स इज थ्रू ब्लूटूथ, कॉल्ड ब्लू स्नार्फिंग एंड ब्लू जैकिंग। इफ यू कीप योर ब्लूटूथ परमानेंटली ऑन, यू कैन बी अ विक्टिम, योर डिवाइस कैन बी अ विक्टिम। सो अवॉइड कीपिंग द ब्लूटूथ ऑलवेज ऑन वंस, एक आपकी बैटरी लगातार खाता रहेगा, दूसरा इट ओपन्स अ डोर
to get into your system. Now we talk about distributed denial of service attacks. DOS attacks हमने पहले पढ़ा था कि आपकी जो services हैं, web service है, आपकी mail service है, वो आप use ही नहीं कर पाएंगे. तो उसका उन्होंने तोड़ निकाला, उसका उन्होंने mitigate कैसे किया कि एक ही अगर IP address से एक particular number से ज़्यादा अगर repeated packets आ रहे हैं, तो उस IP address को या packets को उनको drop करना शुरू कर दीजिए. तो distributed denial of service में क्या कहा कि number of computers will sending unsolicited request to one particular IP address. So this is called distributed denial of service attacks. जब मैंने bots आपसे discuss किया था, तो उस time पे आपको बताया था कि आपका computer हो सकता है कि कोई आपसे जानकारी ना निकाले, पर इस तरह के attacks में इस्तेमाल किया जा सकता है. They are all automated attacks. Keyloggers means, when we were discussing about phishing, he said you'll be taken to a wrong site, nakli site hogi, aur piche ek program chalta rahega which will keep logging whatever keystrokes you are typing. One example, to keylogger is a software, or it can be a hardware, it can be chipped inside your keyboard, jisme ki aap jo bhi keyboard pe strokes aap type kar rahe hain, whatever you are typing on keyboard, वो सब एक टेक्स्ट फाइल में जाता रहेगा, और एक टेक्स्ट फाइल का जैसे एक पर्टिकुलर साइज होता है, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली एक मेल एड्रेस पे मेल कर दी जाएगी. तो आपकी सारी जितनी जानकारी हैं, आपके टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, वो सब इस की लॉगर से लीक हो सकती है. तो ये सब साइबर अटैक्स हमने डिस्कस करने के बाद, आई होप कि आप लोग काफ़ी अवेयर हो गए होंगे कि हमको इनसे बचना कैसे है, क्या क्या चीज़ें होती हैं. एटलीस्ट पता चल जाना जो है, वो ही अपने आप में एक बहुत बड़ी एक विजय है. आधी लड़ाई हम तभी जीत जाते हैं जब हमें पता चल जाए कि हमारी लड़ाई किससे है. अब हम डिस्कस करेंगे कि जो अटैकर है उसके मंशा क्या होती है, वो इतना सब जानकारी होने के बावजूद ये सब गलत काम करते क्यों हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि जो अटैक्स हैं, दे आर ऑल इलीगल बाय लॉ. आप अगर पकड़े जाते हैं तो अलग अलग प्रोविजंस जो हैं आईटी एक्ट के, वर्ल्ड ओवर, इंडिया में हमारा आईटी एक्ट 2000 है, आप अगर पकड़े जाते हैं तो आपको सख्त सजा हो सकती है. तो हम ये देखते हैं कि इसके पीछे इनका मोटिवेशन क्या है. एक चीज आप सुनेंगे, बड़ी कॉमन चीज है आजकल, हैक्टिविज्म. बेसिकली अलग अलग परसेप्शन वाले लोग, मे बी सम रिलीजियस ग्रुप, मे बी सम पॉलिटिकल ग्रुप, वो अपना एक आइडिया अपना प्रमोट करना चाहते हैं. तो वो किसी की साइट डिफेस कर दी, कोई अटैक कर दिया और दिखा दिया कि देखो हमें इतनी शक्ति है, वी आर सो नॉलेजेबल, जस्ट टू शो देयर पावर, जस्ट टू शो देयर स्ट्रेंथ, दैट हाउ गुड वी आर इन दिस फील्ड. दे'ल कीप doing different kind of different attacks. So this is called hacktivism. Second is cyber crime. Jaisa ki humne discuss kiya social engineering mein, ke bank se aapko koi ek fake call aayega aur aapko pose karega jaise ki wo bank manager aapse baat kar raha hai. Cyber crime ek bahut badi mansha rehti hai inki. उससे क्या करेंगे, कुछ पैसा बनाना है, कुछ यू नो एक अंदर से एक इच्छा होती है कि हम भी कुछ करके दिखाएं. तो इजी मनी सबसे आसान एक मंशा होती है जब हम साइबर क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं. साइबर एस्पियोनाज, जासूसी, नेट पे सब कुछ अवेलेबल है, डिजिटल मोड में. आपको खाली चाहिए कि आप किसी के सिस्टम में घुस जाएं और यूजर नेम पासवर्ड, एंड इफ यू हैव एस्केलेटेड प्रिविलेजेस, रूट पासवर्ड मिल गया या कोई एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड मिल गया, रूट प्रिविलेजेस मिल गए, तो आप कुछ भी जानकारी हासिल कर सकते हैं. सब डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल है, खाली आपको पेन ड्राइव चाहिए, और नहीं तो आप इंटरनेट पे अपना मेल ड्राइव पे डाल दीजिए. सो मेनी थिंग्स, सो मेनी पॉसिबिलिटीज आर अवेलेबल विद दिस डिजिटल वर्ल्ड, विच आर वेरी वेरी स्केरी एट टाइम्स. कई बार डर लगता है कि इनको, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज करना ठीक है
या अभी के नहीं, पर डरने की ज़रूरत नहीं है। ये हम कोर्स इसीलिए पढ़ा रहे हैं ताकि वो डर निकल जाए और उस डर को कैसे हैंडल करना है वो हम सीखें। लास्ट में हम जो मोटिवेशन, जो मंशा, जो हम अटैकर्स का डिस्कस करते हैं, साइबर वॉर। आप यूट्यूब में देखिएगा CBS 60 न्यूज स्ट्रक्सनेट। स्ट्रक्सनेट एक बहुत बड़ी अपने आप में केस स्टडी है, जिसमें कि एक सॉफ्टवेयर जो कि डिसकनेक्टेड नेटवर्क था, नॉर्मली नेटवर्क वी हैव कॉर्पोरेट नेटवर्क आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट थ्रू अ फायरवॉल, देर आर लॉट मेनी नेटवर्क विच मेंटेन एन एयर गैप, मतलब कि इंटरनेट से कनेक्टेड ही नहीं होता आपका कॉर्पोरेट नेटवर्क। ऐसे नेटवर्क को हैक करके उसमें मेलवेयर घुसाना, इंस्टॉल कर देना और एक अपोजिट पार्टी के रनिंग सिस्टम को डीएक्टिवेट कर देना, अपने आप में एक केस स्टडी है। आप टाइम निकाल करके इसको जरूर पढ़िएगा, बहुत बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। CBS 60 न्यूज स्ट्रक्सनेट। हमने इस मॉड्यूल में सीखा कि साइबर अटैक्स क्या होते हैं, कितने तरह के साइबर अटैक होते हैं, हैक्टिविज्म क्या होता है, साइबर क्राइम कितने टाइप से हो सकते हैं, उसके पीछे लोगों की मंशा क्या होती है, साइबर एस्पिनाज यानी साइबर जासूसी क्या होती है, क्या मंशा होती है लोगों की, और साइबर वॉर व्हेन टू स्टेट्स गेट इन्वॉल्व, तो एक दूसरे अपोजिट कंट्री के ऊपर कैसे हम लोग उनके आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर कैसे अटैक कर सकते हैं, ये सब हमने सीखा। आई होप कि ये जानकारी आपके साथ रहेगी और आपके काफ़ी काम आएगी। थैंक यू।